ये सब बताइए पूरी तफसीलात बताइए सर रमजान का। हाँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सारे भाइयों को और सारे बहनों को, मेरी माओं को, बच्चों को रमज़ानुल मुबारक की सारों को रमज़ान मुबारक और अल्लाह की रहमतें बरकतें सारी उम्मत पर नाजिल हों, यही हमारी दुआ है। अल्लाह का एहसान है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी जानिब से जो है खिदमत जारी है और रमज़ान में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का, इफ्तार का लगभग 4000 आदमियों को खाना जा रहा है। और भी तकाजा बढ़ेगा तो इंशाल्लाह तैयार हैं, टीम सारी तैयार बना कर रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भी इसके अलावा आश का भी काम चालू है, आश भी जा रहा है, जहाँ से सारे बेंगलुरु से जहाँ से भी तकाजे आ रहे हैं वहाँ से पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। लीटर आश बन रही है, अभी तो 6000 लीटर का जो है काम चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे और भी बढ़ाएंगे, अगर तकाजा बढ़ेगा तो इंशाल्लाह और बढ़ाएंगे। क्यों बेंगलुरु में नहीं मिल रही आश? वही अभी ये लॉकडाउन के चलते आदमियों को प्रॉब्लम है, कई सारे ये सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है और कई सारे मसाइल हैं कि उन तक जो है राशन नहीं पहुँच रहा है, कई सारे मराहिल हैं, कई सारे मसाइल हैं। तो इस वजह से जो है हमने अहद कर लिया है कि नहीं, जहाँ तक हमारी ताकत हो सके हम सारे भाई मिलकर जो है इस काम को जो है अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्हें हमें इस काम करने की तौफीक और हिदायत अता फरमाई और उसी के फजलो करम से जो है ये काम चल रहा है। सबसे दुआ की भी दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक जो है इसको जब तक ये लॉकडाउन चलेगा और जब तक ये सिलसिला रहेगा इंशाल्लाह काम भी खिदमत का सिलसिला भी ऐसा ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। जा रहा है कई जगह, जा रहा है इलियास नगर जा रहा है, गोरी पड़ला जा रहा है, बिस्मिल्लाह नगर जा रहा है, तिलक नगर जा रहा है, टांगाडन जा रहा है, सिद्धापुर जा रहा है और यहाँ पर पादरनपुरा, ये अपना चामराज पेट, चिकपेट, कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से भी तकाजे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर रोज़ मेन्यू में रहता अलग अलग चेंज, वेजिटेबल ही जा रहा है, बस वेजिटेबल से ही जा रहा है। टोटल कितनी टीम है तुम्हारी, कितने इसमें? लगभग इसमें जो है 30 अफराद काम कर रहे हैं और वो जो खिदमत कर रहे हैं वो अलग से जो है वो एक 30 हैं, 30-40 हैं और ख़ुद अपने अपने सवारी लेकर आते हैं और ख़ुद खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। उनकी भी हम खिदमत की दाद देते हैं कि खुद वहाँ पे अपने इलाकों की फ़िक्र करके जो यहाँ तक हम तक पहुँच कर जो है वो उन इलाकों में जो है काम कर रहे हैं। कई लोग जगह पर जो है गंजी बनाने की और तकसीम करने की परमिशन नहीं है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ये मसला पैदा हुआ है, तो ये क्या यही ख्याल था कि इस तरह एक इंतज़ाम आप करें? बताइए सर क्यों इंतज़ाम किया आपने गंजी का? ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से जो ये सोशल डिस्टेंस जो है नहीं कर पाएंगे, क्राउड बढ़ जाएगा, तो इस वजह से जो है हमने इंतज़ाम का परमिशन भी नहीं दे रहे हैं। कई जगहों पे हमने देखा कि आश बनाने के लिए जो है परमिशन दिया नहीं जा रहा है, तो हमने जो है यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करके हम भेज रहे हैं बनाकर। कैसा भेज रहे हैं? वो अपने बैरल है, तकरीबन 90 से 100 लीटर का बैरल है, उस बैरल में जो है कई गाड़ियों में भी जा रहा है और ऑटो में जा रहा है, कारों में जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ के अहबाब आते हैं, खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। कौन कौन से इलाके? कई, इलियास नगर है, टांगाडन है, बैसंदर है, अपना सिद्धापुर है और यहाँ पे गोरी पड़ला, गुड़दली है, कई सारे इलाके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान जा रहा है। चामराज पेट, चिकपेट, वही जो अभी बताया मैंने आपको कि इस लॉकडाउन के चलते बहुत सारी परेशानियां हैं और इफ्तार में हर कोई जो है आश के बग़ैर इफ्तार नहीं करता, ये हमें मालूम है और सबको मालूम है कि बग़ैर आश के इफ्तार, बग़ैर समोसे के और बग़ैर आश के इफ्तार नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बाहर कई जगह हमने सुना कि आश बनाने के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है खिदमत शुरू की है। रोज़ाना कितने लीटर? रोज़ाना करीबन 6000 लीटर का जो है बनाने का ये तय किया। पूरा नाम आपका? के मोहम्मद शरफुद्दीन।